गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर अकेडमी अनदर सेशन। डेट है आज 10 जुलाई और शाम के बज रहे हैं 7:30। सेमीफाइनल ख़त्म हो चुका है इंडिया और न्यूजीलैंड का। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है फ्रेंड्स और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बहुत ही तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। चैनल शुरू किए हुए सिर्फ 6 मंथ्स हुए हैं और 2100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज कीजिए। हमारे मॉडरेटर सिंपल आपको ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर। शर्त सिर्फ एक है कि शेयर अकेडमी के अंदर हम शेयर्स को करते हैं फंडामेंटली थॉरोली एनालाइज, और अगर फंडामेंटल बेसिस पर शेयर हैं खरीदने लायक तो हम उन्हें टेक्निकल बेसिस पर दोबारा से एनालाइज करते हैं, और अगर करंट लेवल्स पर शेयर्स खरीदने लायक हैं तो हम बाय करने की सलाह देते हैं लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में रखने के लिए शेयर को, मिनिमम पोजिशन मार्केट के अकॉर्डिंग 1 वीक के लिए, और मैक्सिमम ईयरली बेसिस पर या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में शेयर रखने के लिए सजेशंस हमारी तरफ से होते हैं। अगर आप हैं एक ऑप्शन ट्रेडर या फिर अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और इस संबंध में किसी तरह की मदद ढूंढ रहे हैं तो शेयर एकेडमी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। हाउएवर, अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, और अगर वीडियोस आपको किसी भी तरह से पसंद आ रहे हैं, इन वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो वीडियोज़ को कीजिए लाइक शेयर और कमेंट्स। और फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है ये बेहद खास है। हमारी वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत जो दमदार शेयर की सीरीज़ है जिसमें कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हम आपके लिए लेकर आते हैं, उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज का ये वीडियो है जिसके अंदर एक और बेहतरीन शेयर लेकर आए हैं हम आज आपके सामने और डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में। कंपनी का नाम है किर्लोस्कर ब्रदर। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, जो ये हमारी दमदार सीरीज़ की शेयर्स की सीरीज़ है उसी के अंदर किर्लोस्कर ब्रदर। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस क्या है, सो ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसकी वेबसाइट पर देखेंगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, एक वास्ट रेंज है कंपनी की, जिसके अंदर की कंपनी पंप्स, वाल्व्स, हाइड्रो टर्बाइंस और पैकेजिंग सिस्टम्स, जिनमें कि फायर फाइटिंग सिस्टम, कंडीशनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, सोलर पंपिंग सिस्टम के जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है फ्रेंड्स कि ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होनी है। अभी भी याद है हमें कि जो 1 हॉर्स पावर और आधा हॉर्स पावर की मोटर्स आया करती थी एक समय में, जो मिडिल क्लास फैमिली है इनके अंदर किर्लोस्कर का बहुत नाम हुआ करता था, और साथ ही साथ जो इनके टुल्लू पंप्स हुआ करते हैं जिनका कि इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर किसानों के द्वारा। सो ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसका कि न केवल पेनिट्रेशन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है बल्कि इस प्रोडक्ट की डिमांड भी कॉन्टिन्यूसली लंबे समय तक बरकरार रहनी है। ओके, सो प्रोडक्ट वाइज कंपनी अच्छी है। अब हम चल सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। इस पूरे सेशन को फ्रेंड्स 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें कि देखेंगे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग क्यों है, और सेकंड पार्ट में देखेंगे कि अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो क्या करंट लेवल्स पर बाय करने लायक है या नहीं। ओके, कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों में ही लिस्टेड है। बीएससी में एवरेज वॉल्यूम तकरीबन 11,000 का और एनएससी के अंदर तकरीबन 34,000 के एवरेज वॉल्यूम है। करंटली शेयर 192 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ओके, ध्यान से देखिएगा, स्टैंड अलोन बेसिस पर 1500 करोड़ रुपए का टोटल मार्केट कैप, यानी कि कंपनी स्मॉल कैप की है। अर्निंग पर शेयर 11 रुपए का, तो 1500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप पर 11 रुपए की अर्निंग पर शेयर एक हेल्दी साइन है। पीई 17 का है जबकि इंडस्ट्री का पीई 20 का है। ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का पीई मायने नहीं रखता, बट कंपनी का पीई 17 का, इसका मतलब है कि फेयर वैल्यूएशंस पर हमको एक शेयर अवेलेबल है। बुक वैल्यू 118 की और प्राइस टू बुक रेशियो सिर्फ 1.5 का, ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। 118 की बुक वैल्यू पर 1.5 का प्राइस टू बुक रेशियो, इसका मतलब है कि हमें कंपनी बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल रही है। डिलीवरेबल वॉल्यूम 55%, इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर स्पेकुलेशंस बहुत कम होते हैं, और जितनी ज़्यादा डिलीवरेबल वॉल्यूम होता है 40% से अबव है, अगर 40-50% के करीब, तो ऐसी कंपनीज खरीदने के लिए अच्छी रहती हैं। ओके, सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर कंपनी इतनी अच्छी है तो कंपनी के प्रमोटर्स का कंपनी में कितना हिस्सा है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ऊपरी स्तरों पर तकरीबन 45% और 45% के बाद करीब करीब 60% हिस्सा प्रमोटर्स का कंपनी के अंदर है। इसका मतलब प्रमोटर्स को कंपनी पर भरोसा है, हमेशा ध्यान रखिए, और कोई भी पार्ट प्लेज्ड नहीं है। ये सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये कंपनी करंटली बहुत ही शानदार है फंडामेंटल वाइज। और अब देखते हैं कंपनी के प्योर फंडामेंटल, इसकी बैलेंस शीट क्या कहती है। ओके, स्टैंड अलोन बेसिस पर ध्यान रखिए टोटल शेयर कैपिटल 15.88 करोड़, ऑलमोस्ट स्टैटिक रही है लगातार 5 सालों में, जो कि बहुत अच्छी खबर है। कंपनी का कैश रिजर्व 780 करोड़ से लगातार बढ़ता रहा है, 788, 882, 880 एंड देन 924, कॉन्टीन्यूअसली बढ़ता हुआ कंपनी का शेयर कैपिटल कंपनी की स्ट्रेंथ का एक बिल्कुल आदर्श सूचक है। टोटल डेट कंपनी का देखिए लगातार घट रहा है, 250 करोड़ रुपए से घटता हुआ डेट 147 करोड़ रुपए, यानी कंपनी के पास में दो बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन है इसकी बैलेंस शीट पर ही। क्या क्या, कि कैश रिजर्व कंपनी का बढ़ रहा है और डेट कम हो रहा है, इसका मतलब कि जो भी मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है कंपनी में। ओके, अब ध्यान से देखिए कंपनी के सन ड्राई डेप्टर्स, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, 471 करोड़, यानी ये पैसा कंपनी को मिलना है अभी। ओके,
टोटल करंट एसेट कंपनी के 873 करोड़ और टोटल करंट लाइबिलिटीज कंपनी की 1000 करोड़ है, जो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कैश रिजर्व अच्छा खासा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ कंपनी की बुक वैल्यू, जरा ध्यान से देखिएगा इसे। एक समय की 100 करोड़ की बुक वैल्यू कंसिस्टेंटली बढ़ती है 101, 105, 112, 118। बुक वैल्यू का मतलब है कि आज की डेट में अगर कंपनी लिक्विडेट कर देते हैं तो हर इंडिविजुअल निवेशक के हाथ में कितना पैसा रहेगा। जब भी कभी भी बुक वैल्यू लगातार आपको कंसिस्टेंटली बढ़ती हुई दिखे तो हमेशा ये कंपनी की स्ट्रेंथ का सूचक है। ऐसी कंपनीज बहुत ही अच्छी होती हैं जिनकी बुक वैल्यू स्टैटिक रूप से बढ़ रही हो लगातार, ओके। और अब देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, यानी कि कंपनी धंधा क्या कर रही है, कैसा धंधा कर रही है कंपनी। ध्यान से देखिएगा, जो टोटल सेल्स टर्नओवर है कंपनी का, टॉप लाइन तकरीबन 1700 करोड़ रुपए लगातार बढ़ता हुआ, 1738, 1800, 1934, 2200 करोड़, यानी कि टॉप लाइन में कॉन्टिन्यूसली स्टैटिक ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी अपना धंधा बढ़ा रही है। पहले साल कंपनी ने अगर 10 पंप बेचे तो अगले साल 12 बेच रही है, उसके अगले साल 14 बेच रही है, फिर अगले साल 16 बेच रही है, और जितना ज़्यादा कंपनी का धंधा बढ़ता जाता है उतना ही ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाता है। अदर इनकम स्टैटिक रही है ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट उससे कहीं ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 60 करोड़ से लगातार बढ़ता हुआ 162 करोड़ तक हो गया, जो कि बहुत अच्छी खबर है। रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, 12 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 8 करोड़ से और 87 करोड़, तकरीबन 10 गुना हो गया है पिछले 5 सालों में रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट, जो कि कंपनी की स्ट्रेंथ दर्शा रहा है। शेयर्स जो इशू किए गए हैं वो ऑलमोस्ट स्टैटिक हैं, ये आपको पता चल गया था टोटल शेयर कैपिटल से ही। अर्निंग पर शेयर कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, 1.07 रुपये जो कि हुआ करता था मार्च 15 में, वहाँ से बढ़ते हुए अब इस समय 11 रुपये। बहुत ही हेल्दी कंपनी की जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, यानी कंपनी का धंधा बहुत ही बढ़िया है। अब इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं, कंपनी कितना कमा रही है और कैसा कमा रही है। सो ध्यान से देखिएगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के तकरीबन 4% के, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है देखना, इसे कंपेयर करना पिछले 5 सालों में, जो कि 0.52% हुआ करता था, वहाँ से लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ता रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसका मतलब है कि कंपनी का धंधा स्टैटिक रूप से बढ़ रहा है, कंपनी स्टैटिक रूप से जो नेट प्रॉफिट है उसे धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का तकरीबन 14% के करीब है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 7.5%, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हर सेक्टर के प्रॉफिट मार्जिन्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि एविएशन सेक्टर के प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होंगे, आईटी सेक्टर के प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ही अच्छे होंगे। सेम वैसे ही कंपनी जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े से कमज़ोर होते हैं। और अब सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का भी इंटरेस्ट है या नहीं। क्यों? म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट अगर किसी कंपनी के अंदर होता है तो ये सिर्फ कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है, ओके। सो ध्यान से देखिए, एडलवाइस इक्विटी सेविंग, एडलवाइज का लार्ज एंड मिड कैप, एडलवाइज एलटी इक्विटी फंड, और इसके साथ में आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर और रिलायंस स्मॉल कैप डायरेक्ट और ग्रोथ फंड जो है स्मॉल कैप का, इन सभी का इस कंपनी के अंदर थोड़ा थोड़ा निवेश रहा है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी की खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको ये बताती है कि अगर म्यूचुअल फंड्स भी कंपनी की में खरीदारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है। तो फर्स्ट पार्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बेटर से भी अच्छी कैटेगरी के हैं, मतलब जो हमारी बेटर कैटेगरी है उस बेटर कैटेगरी से भी बढ़िया, बेटर और बेस्ट कैटेगरी के बीच में है कंपनी के फंडामेंटल्स, जो कि अच्छे हैं। इसके साथ में एक इन्फॉर्मेशन हमें और देखनी चाहिए और वो है बीएससी की वेबसाइट पर आप जाइए और बीएससी की वेबसाइट पर किर्लोस्कर ब्रदर्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उन क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक बार ज़रूर एनालाइज करना चाहिए। सब एक बार बीएससी की वेबसाइट पर देख लेते हैं कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं उन क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी, स्पेशली क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं तो अर्निंग पर शेयर 11 रुपए का बिल्कुल सही है और पी 17 का है, एकदम सही है, ओके। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं इन क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख लेते हैं मार्जिन्स कैसे हैं कंपनी के, ओके। सो क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5% के करीब है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 8.5%, और इसे एक बार एनुअल बेसिस पर देख लेते हैं तो तकरीबन 4% का प्रॉफिट मार्जिन, जो कि बिल्कुल सही है, यानी क्रॉस वेरिफिकेशन में जो डाटा हमने मनी कंट्रोल से लिया हुआ है वो डाटा बिल्कुल सही है। सो फंडामेंटली कंपनी बहुत ही शानदार है, बट फंडामेंटली तो बहुत सारी और कंपनीज हैं जो अच्छी हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या फंडामेंटली अच्छे होने के बावजूद ये कंपनी टेक्निकल बेसिस पर अच्छी है या नहीं और टेक्निकली कंपनी खरीदने लायक है या नहीं, ये जानने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स वो है ट्रेड टाइगर, शेयर खान का वर्जन है 2.5, बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है
और आप में से वो लोग जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है उनके पास में ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आप चाहें तो मार्केट के किसी भी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है। हमने मार्केट में तकरीबन 8 अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके देखा है जिनमें ये सॉफ्टवेयर बेहतर मिला है। बाकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका नॉलेज। अगर आपके पास में टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक नॉलेज है तब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कीजिए, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हों या फिर पेड सॉफ्टवेयर हों, दोनों में ही इन्फॉर्मेशन सेम है। ओके फ्रेंड्स, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, ताकि हम जो एनालिसिस करेंगे ये आपकी थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। अगर ऐसा नहीं है और आपको नहीं पता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, तो जाइए हमारी जो वीडियो सीरीज़ है, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको लर्न टू अर्न सीरीज़ के वीडियोज़ मिलेंगे। वीडियो सीरीज़ में आप जब जाएंगे तो आपको मिलेंगे लर्न टू अर्न सीरीज़ के वीडियोज़। इन लर्न टू अर्न सीरीज़ के वीडियोज़ को ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम किस टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ओके, जिस टाइप ऑफ चार्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये है कैंडलस्टिक चार्ट, और डेली का कैंडलस्टिक यानी एक कैंडल एक दिन के मूवमेंट को दर्शा रही है। ओके, सेकेंड जिस इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, वो है बहुत ही शानदार मूविंग एवरेजेस। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, मूविंग एवरेज आपके एनालिसिस का मेन पार्ट होने चाहिए, और इसके साथ में वॉल्यूम एनालिसिस। ओके, जस्ट अ मिनट, ऐड ही नहीं हुआ मूविंग एवरेज। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी मूविंग एवरेज ऐड हो गया। देन वॉल्यूम एनालिसिस, और वॉल्यूम एनालिसिस के साथ में सपोर्ट और रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिए, किर्लोस्कर ब्रदर्स फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग शेयर, ऊपरी स्तर जो थे शेयर के वो थे करीब 375 के, वहाँ से शेयर लगातार गिरता रहा, निचले स्तरों पर आता है और एक बेहतरीन सपोर्ट लेता है। कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है शेयर? 149 के आसपास में सपोर्ट लेता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है। एक मेजर रेसिस्टेंस जोन जो कि है तकरीबन 182 का, उसे क्रॉस करके शेयर धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की तरफ तैयारी कर रहा है। एक बहुत ही शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाकर शेयर अपसाइड की तरफ तैयार है चलने के लिए। फंडामेंटली इतना स्ट्रांग शेयर ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद अपने सपोर्ट लेवल के पास में अगर आपको इस तरह से राउंडिंग बॉटम पैटर्न में मिले, तो ये शेयर की स्ट्रेंथ का प्रतीक है, जो कि खरीदने लायक शेयर है। करंट लेवल्स पर शेयर में बिल्कुल बाय कर सकते हैं। होराइजन थोड़ा सा अच्छा रखिए, क्योंकि करंटली जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल और स्पेशली डाउन ट्रेंड की तरफ है, इसलिए शेयर में परचेज बिल्कुल करिए, बट होराइजन थोड़ा सा बड़ा रखिए, 6 महीने या 1 साल तक का होराइजन रखिए, और उसी हिसाब से आपको टारगेट्स भी मिलेंगे। करंट लेवल है शेयर के 194 के, इन लेवल्स पर आप बाय करते हैं तो सबसे पहला टारगेट 233 का, सेकेंड टारगेट 263 के, यानी यहाँ से करीब करीब 30% का रिटर्न आपको यहाँ से शेयर के अंदर मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया चार्ट है और बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है शेयर का। और एक चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कि जितनी बार भी आपको 10% से अबव रिटर्न मिलता जाता है, रेगुलर प्रॉफिट बुक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखिए। करंट लेवल पर किर्लोस्कर ब्रदर्स, बहुत ही बढ़िया चार्ट, बाय कीजिए इसे और होल्ड करके रखिए। एक बार जब ब्रेकआउट के बाद नीचे वॉल्यूम अच्छा खासा मिल जाएगा, देन शेयर बहुत ही तेज़ी के साथ अप ट्रेंड के अंदर आएगा, उस समय आपको बहुत ही हैंडसम रिटर्न देगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि जो आज का हमारा ये सेशन है, ना सिर्फ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, बल्कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। भविष्य में इस तरह के वीडियोज़ हम और लेकर आते रहेंगे फ्रेंड्स, और दमदार शेयर की जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर आपको बेहतरीन शेयर्स देते रहेंगे, जो न केवल आपके पोर्टफोलियो बनाने में आपकी मदद करेंगे, बल्कि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। अगर आप चाहें फ्रेंड्स, तो हमारी मदद कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। जो आपके सीरियस निवेशक दोस्त हैं उनके साथ में लगातार सीखते रहिए शेयर एकेडमी के साथ जुड़े हुए। और आप चाहें तो स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर पेटीएम करके हमारी मदद कर सकते हैं, या सेम नंबर पर ही गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए भी आप डोनेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी रात के सेशन में, जो कि है 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का। तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और हमेशा याद रखिए that money never sleeps. Thank you very much.